नमस्कार, क्या आप परेशान हो चुके हो नौकरी की भागदौड़ में और नौकरी नहीं मिली और पैसा कमाना चाहते हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसे व्यापार के बारे में जिसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे गांव हो या शहर। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात करने वाले हैं हम चीनी के व्यापार के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि चीनी का उपयोग हर एक घर में होता है, वो करीब डेली, हफ्ते में, अगर हफ्ते की मान ले तो हफ्ते में करीब 2 से 3 किलो, 2 या 1-2 से किलो हर एक घर में चीनी का प्रयोग होता है, यूज होता है। तो दोस्तों, अगर हम चीनी का व्यापार करें तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको चीनी का व्यापार ऐसा नहीं करना है। आज बात कर रहे हैं हम चीनी के होलसेलर के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, अगर हम चीनी के होलसेलर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, होलसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है तो कुछ पैसे की। अगर आपके पास करीब 1 से 1.5 लाख रुपए हैं तो आप चीनी का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आप अच्छी मोटी कमाई स्टार्ट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ पे आपको माल सेल करना है, इसकी पूरी डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे तब जाके आप लोगों को समझ आएगी कि आखिर हम चीनी का होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और चीनी अगर होलसेल में हम कहाँ से खरीदें और कहाँ पे चीनी का सेल करें। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब होलसेलर का बिजनेस कोई भी होलसेलर बनता है तो उसके यहाँ फुटकर में मतलब कोई भी आइटम नहीं बेचा जाता। और अगर आप होलसेलिंग की चीनी की बात करें तो आप ये समझिए कि दिन में अगर आपके करीब 10 से 15 ही कट्टे निकल गए तो आप करीब अगर 15 कट्टे निकल गए तो आप करीब 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 आप 2,000 रुपये कमा लोगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम चीनी कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, इसके लिए हम आप लोगों को स्कीम पे यहाँ पे आपको बता देंगे कि कहाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि indiamart.com। दोस्तों, होलसेलर के लिए indiamart.com बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम से कम कीमतों में होलसेलर उपलब्ध हैं। आप वहाँ से भारी क्वांटिटी में माल उठा सकते हो। इसके लिए आपको, अब बात कर लेते हैं, चीनी भी 2 से 3 प्रकार की आती है। एक दो रुपए कम में आती है, 1-2 रुपए महंगी आती है, फिर 1-4 रुपए महंगी आती है। इस तरह से उसमें 3 से 4 ब्रांड होती हैं। अब आपको समझना होगा कि आपको चीनी किस ब्रांड की खरीदनी है, क्योंकि जो गांव देहात में जो मार्केटों में जो चीनी का रेट चल रहा है वो तो सेम चल रहा है। अभी फिलहाल अभी की बात करें तो होलसेल मतलब गाँवों में 44 की चीनी चल रही है और जो मार्केट के एरिए में है तो 42 रुपये की चीनी चल रही है। लेकिन होलसेलर रेट में आपको 38 रुपये की चीनी मिल जाएगी और 39 रुपये की चीनी मिल जाएगी, 37 रुपये की चीनी मिल जाएगी। तो आपको इसको मिलावट से खरीदना है। मतलब एक तो आपको जैसे 50 कट्टी आप 37 रुपये किलो की खरीदिए, 50 कट्टी आप 38 रुपये की खरीदिए और इसी तरह से आप मिलावट और 50 कट्टी आप 39 रुपये वाली किलो वाली खरीदिए। दोस्तों, होलसेलर से अगर आप ये मिलावट वाली मतलब चीनी खरीद कर लाते हो तो इसमें हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे अगर होलसेलर से अगर कोई एक कट्टा ही आपका 50 किलो का कट्टा ही खरीदने आया, दोस्तों होलसेलर में 5 किलो 10 किलो नहीं बिकती। होलसेलर भी जो भी गांव देहात के मतलब छोटी छोटी मार्केट की या सेठ लोग आते हैं होलसेलर से चीनी लेने के लिए, वो कभी करीब 5-5 कट्टे ले जाते हैं, एक से कम कट्टा तो कोई ले ही नहीं जाता। तो दोस्तों, एक कट्टे पे आप करीब 100 रुपये 120 रुपये कमा सकते हो एक कट्टे पे। और दिन में अगर आपके 20 या 25, शुरू शुरू की बात है, अगर शुरू शुरू में ही अगर आपके 20 से 25 कट्टे भी चले जाते हैं तो आप करीब 2,000-2,200 रुपये आप आसानी से कमा सकते हो इस चीनी के होलसेल बिजनेस से, क्योंकि ये बिजनेस बहुत लाजवाब है और सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है और मार्केट में इसकी डिमांड 12 महीने बनी रहती है।
इसमें मार्केट में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, 12 महीने इसकी डिमांड बनी रहेगी और इस बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो नमस्कार, बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और बड़ा सुनिए। तो दोस्तों जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।